आज भी पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। हर साल कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ये महामारी लोगों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी कमजोर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इंसानों के बीच तेजी से फैल रहे एक सुपर बग ने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। मेडिकल साइंस के लिए सुपर बग वायरस एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। मेडिकल जर्नल लॉसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सुपर बग इसी रफ्तार से फैलता गया तो इसके कारण हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। आखिर ये सुपर बग है क्या जिससे डरने की जरूरत है? सुपर बग बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का एक स्ट्रेन है जो कि एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के कारण पैदा होता है। सुपर बग बनने के बाद यह मौजूद किसी भी प्रकार की दवाइयों से मरता नहीं है और कई मौकों पर लोगों की जान ले लेता है। जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट समय के साथ बदल जाते हैं तो उस वक्त उन पर दवा असर करना बंद कर देती है। इससे उनमें एक एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस पैदा होता है जिसकी वजह से संक्रमण का इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। आसान भाषा में समझे तो सुपर बग उस तरह की स्थिति है जब मरीज के शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स के सामने दवा बेअसर हो जाती है। डॉक्टरों की माने तो फ्लू जैसे वायरल संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक लेने पर सुपर बग बनने के अधिक आसार रहते हैं जो धीरे धीरे दूसरे इंसानों को भी संक्रमित कर देते हैं। ये कितना भयंकर है इसका अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि साल 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से ज्यादा मौतें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते हुई। मरीज बैक्टीरियल संक्रमण का शिकार थे लेकिन एंटीबायोटिक ने उन पर असर करना बंद कर दिया। मेडिकल जर्नल लेसेंट में छपी इस स्टडी में साफ कहा गया है कि मौजूद दवाओं का समझदारी से और थोड़ा रुक कर इस्तेमाल हो ताकि इंसानों की अपनी इम्यूनिटी भी बीमारी से मुकाबला कर सके। स्कॉलर एकेडमिक जर्नल ऑफ फार्मेसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में दुनिया भर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल 65% बढ़ गया। कोरोना महामारी से बचने और अपने कमजोर इम्यूनिटी से डरे लोग अब सामान्य सर्दी खांसी में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल सुपर बग की कोई दवाई मौजूद नहीं है लेकिन कुछ सावधानी बरत कर इसकी रोकथाम की जा सकती है। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। हाथ धोने के लिए आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खाने पीने का सामान साफ जगह रखें। भोजन को पकाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक दवा ले सकते हैं। आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो? ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल।